गाइज आप लोग का बहुत ज़्यादा ये डिमांड आते रहता है कि बजट में कोई बैट बताओ आप, है ना। तो इस बार मैं दिल्ली आया था, तो मैं एक बार फिर से क्रिकेटर शॉप पे आया हूँ, और इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपको 10,000 के नीचे 5 ऐसे बजट बैट बताऊँगा जिसके ज़बरदस्त पिंग है, ज़बरदस्त बैलेंस है, और उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आइए चलते हैं क्रिकेटर शॉप के अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं वो 5 बैट्स। तो जैसे कि आपको भाई ने बताया है जो आज का टॉपिक है, तो भाई आपको बता चुके हैं। सो यस, ये आजकल बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि 10,000 की रेंज में कोई यार बढ़िया बैट हो जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो, और हमारे को इतने सारे ऑप्शंस आजकल मार्केट में हैं। सो आप क्या हमें क्रिकेटर शॉप से रिकमेंड करेंगे? सो मैं हमने बहुत सारे ऑप्शंस के साथ कुछ बैट्स निकाले हैं जो कि बजटेड बैट्स हैं, विच इज़ बिलो 10,000 रुपीज़ गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं इन सब बैट्स में एक एक करके, और इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस जानते हैं और इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट बैट जो कि टॉप 10,000 में आता है, दैट इज द बैट्स वेम्पायर किंग हिंटरबॉन। सो लुक एट दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रेन्स, थोड़ी सी यहाँ ब्लेमिश है और इसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और इसकी अगर प्रोफाइल की बात करें, 36 mm, 23 mm टो, और बहुत ही थिक एंड नाइस हैंड। सो बैट्स की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, बड़े ही हार्ड प्रेस बैट्स होते हैं, सभी जो इसकी थिकनेस है वो कम है, बट थिकनेस कम होने का मतलब ये नहीं कि इस पर पिंग नहीं है या इस पर स्ट्रोक्स नहीं है। इसकी जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी रहती है, और जो भी टीम बैट होता है जिसको मल्टीपल यूज करते हैं एक ही बैट को 3-4 प्लेयर्स, सो आई रिकमेंड बास टू ऑल ऑफ देम। सो ये तो रही बास की खासियत। अब इसका एक पिंग टेस्ट देखते हैं गाइस। सो हम SG क्लब की बॉल यूज कर रहे हैं अपनी पिंग टेस्ट के लिए भी, जो कि नॉर्मली हर एक ऑपरेटर और उसमें यूज होती है। सो हम इसी से करेंगे सारे बैट्स का पिंग टेस्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिंग ही बता रही है कि बजटेड होने के बावजूद इसकी जो क्वालिटी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्स जो कि अंडर 10 के आपको मिल जाएगा। दूसरे बैट की तरह, विच इज द SF फ्रॉम द हाउस ऑफ SF कैमो 2। आप देखिए कितना शानदार लुकिंग बैट है इन वाइट एंड कैमो शेड, इसका बैक देखिए आप। सो ये तो रही इसकी ग्राफिक्स की बात। हैंडल इसका एकदम राउंड है, बिल्कुल राउंड हैंडल यूज हो रहा है इसमें। इसकी आप साइड प्रोफाइल देखिए, इसकी एजेस 40 mm है, 23 mm टो, 1190 ग्राम है इसका वेट। सो ये अगेन बैट है विच इज अंडर 10 के, और क्विकली आपको इसका पिंग टेस्ट दिखाता हूँ। ये तो रही इसकी पिंग टेस्ट की बात, ये अगेन वन ऑफ द बेस्ट बैट्स है अंडर 10 के जो हमने सिलेक्ट करा है, और मुझे इस बैट का बैलेंस अगेन सबसे बेस्ट इसका बैलेंस लगा अमंग ऑल द बैट्स, वेरी वेल बैलेंस्ड बैट गाइस। एंड जिसको भी हार्ड हिटिंग करनी है उसके लिए बैट मेरी तरफ से रिकमेंड। थर्ड बैट आ जाता है जो कि वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट ब्रांड है ग्रेनिकल्स, और लुक एट दिस गाइस, 42 mm एजेस, 26 mm इसकी टो है, 1180 ग्राम इसकी जो है इसका वेट है। और इसकी फ्रंट की बात करें तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रेन्स का ये बैट है, बट मुझे इसके फैसिनेट किया इसका बैलेंस, अगेन बहुत ही वेल बैलेंस्ड बैट है। और क्विकली इसका पिंग टेस्ट करके देखते हैं। बिल्कुल कम एफर्ट्स के साथ बॉल इज फ्लाइंग, एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द मॉडल्स जो आप देख सकते हैं हमारे स्टोर्स पे। ये सारे बैट द्वारका दिल्ली स्टोर में अवेलेबल है, और बाकी भी क्रिकेटर शॉप में सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। चलते हैं अब हम फोर्थ बैट की तरफ। सो ये आ गया है MRF की तरफ से, MRF लेजेंड VK18 गाइस। तो ये आइकॉनिक स्टिकर्स हैं, और जो कि विराट कोहली से लेके सब टॉप प्लेयर्स इस बैट से खेले हैं। ये उसका एक लोअर एंड का बैट है, बट अगेन अ वैल्यू फॉर मनी गाइस। अब इसकी मैं बात करूँ स्पेसिफिकेशंस की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरी स्ट्रेट ग्रेन्स, राउंड इसका हैंडल है, एंड लुक एट दिस गाइस, 38 mm एजेस, 26
mm इसका टो है और स्पाइन देखिए और प्रोफाइल देखिए, थोड़ी सी कंकेविटी है फॉर द बैलेंस, बट इसका पिकअप बहुत लाइट हो जाता है उसकी वजह से। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली द पिंग टेस्ट। पहले नंबर पे जो बैट है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अगर इन पांचों बैट में से कोई सा भी बैट खरीदना हो और इसके अलावा भी आपकी कोई क्रिकेट इक्विपमेंट्स की नीड हो तो आप क्रिकेटर शॉप की ऑनलाइन वेबसाइट से भी वो सामान खरीद सकते हो। इसके अलावा इनका चार ऑफलाइन स्टोर्स भी है, चारों ऑफलाइन स्टोर्स की एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट बैट ऑफ द डे जो कि फिफ्थ बैट है और जो कि हमारी वीडियो का कंटेंट भी यही कहता है, टॉप 5 बैट्स अंडर 10,000 रुपीज। तो दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ SSGG स्मैकर। तो आइकॉनिक सीरीज है ये SS की स्मैकर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 to 8 ग्रेन्स है इस बैट में एंड लुक एट द शाइनी ग्लिटरी स्टिकर्स ऑफ SSGG स्मैकर। बहुत ही सुंदर बैट है ये, देखने में भी जितना सुंदर है ये उतना ही मारता है, इतनी इसकी हार्ड पिंग है। आप ये चेक करिए इसकी स्पाइन। बेस्ट बैट बात जो इस मॉडल की है, इसका स्वीट स्पॉट बहुत ही ज़्यादा नीचे है, सबसे ज़्यादा जो लो स्वीट स्पॉट है वो इस बैट का है। सो 29 mm इसकी टो है, 38 mm इसकी एजेस हैं और लुक कितना नीचे तक आ रहा है, बिल्कुल राइट टू द टो में भी इसके ऐसा लगता है कि आपके पिंग है और स्पाइन यहाँ तक आ रही है। सो इससे क्या होता है, जो इंडियन पिचेस में बॉल नीचे रहती है उसमें ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। और बिल्कुल राउंड हैंडल है, थिक हैंडल है इसका और इसका वेट भी कुछ नहीं है, 1170 ग्राम इसका वेट है। अब इसको क्विकली मैं आपको पिंग टेस्ट दिखाता हूँ। द बॉल इज फ्लाइंग इन दिस बैग एंड दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। टॉप 5 बैट्स हम लेके आए हैं और भी वीडियोस आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।